बच्चों, कक्षा 8 का गणित प्रश्नावली 1.3 करने जा रहे हैं। 1.2 आपको यूट्यूब के माध्यम से करा दी गई है, तो अभ्यास 1.3 पहला सवाल योग करना है। फर्स्ट पांच बटे आठ जमा 3/8, लेकिन ये हर समान हैं। जब हर समान होते हैं तो बटे में एक ही हर होता है। ये पाँच जो चिन्ह बीच में चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस लगेगा। 3 और 8/8 बराबर 1, 8 × 8 1। सेकंड देखिए इसका, 6/17 प्लस 11/-17 बराबर 6/17 है ही, प्लस माइनस 11/17, हर 17 हो गया, तो 6 जमा -11, तो 6 - 11 प्लस माइनस माइनस 17, और प्लस का 6 है, माइनस का 11 है, तो घटेगा, और जो बड़े वाले के सामने चिन्ह है वो चिन्ह रहेगा, यानी घट के 6 और 11 का अंतर क्या आया, 5 है, और चिन्ह लगा माइनस का 17। ये इसका आंसर है। HW वर्क होमवर्क जो है आपको थर्ड और फोर्थ इसका स्वयं करना है। इसका सेकंड सवाल देखिए अब, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम वो है जो जोड़कर शून्य आ जाए, ऐसी संख्या जो जोड़कर शून्य आ जाए। मान लीजिए मैं कहूँ कि एक का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो -1 है, अगर एक और एक को जोड़ें तो शून्य हो जाएगा। -1 का योगात्मक प्रतिलोम 1 होता है, यानी चिन्ह उल्टे होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। तो 1/4 का योगात्मक प्रतिलोम जो हुआ, इसका चिन्ह प्लस का है, बस माइनस कर देंगे 1/4, ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे मैं सेकंड की बात करूँ, तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा, चिन्ह प्लस का कर देंगे ऐसे कह लीजिए, या माइनस लगाएंगे, वही क्रिया जो की, तो माइनस लगाएंगे, और -3/4 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/4 ऐसे कह सकते हैं। थर्ड -7/-9 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -7/-9, पहले माइनस माइनस कैंसिल, यानी -7/9 हुआ इसका आंसर। इसका फोर्थ जो है 16/-15 का योगात्मक प्रतिलोम, सेकंड जैसा ही है, -16/-15 माइनस प्लस हो गया, तो 16/15 रह गया। अब आइए अगला सवाल, पुष्टि करना है। थर्ड तीसरे का फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित की पुष्टि कीजिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर -5/11 प्लस -6/13। पहले तो ये देखना है हमें कि इनके अंश बराबर नहीं हैं, इनके जो हैं हर बराबर नहीं हैं, तो हर बराबर करने हैं। तो ऐसी कोई संख्या लेंगे जो 11 को भी 11 से गुणा कर दें और 13 से गुणा कर दें, तो बराबर संख्या आ जाए। यदि ऐसी कोई संख्या नहीं होती तो सीधा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, दोनों गुणा आपस में, यानी कैसे, -5 बीच में प्लस का निशान है, और -6 × 13 यहाँ से यहाँ, और -11 यहाँ से यहाँ, और 11 × 13। तो 13 × 65 माइनस का, और
अगर इसकी गुणा प्लस में की जाएगी तो माइनस की और माइनस प्लस माइनस 1166 और 11 गुणा 13 में करेंगे तो 11 3 33 11 और 3 14 तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे एक जैसी चिन्ह वाले सभी पद जुड़ते हैं तो 6 5 11 और 6 2 12 1 6 और 6 12 1 13 बटे 143। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड -6/13 -5/11 तो -6 × 11 -5 × 13 और 13 × 11 इन दोनों गुणा आपस में कर देते हैं तो -66 + -65 / 143 गुणा इन दोनों की -66 - 65 प्लस माइनस माइनस होता है 143। तो ये हुआ आपका -1 × 6 6 12 1 13 143। देखिए हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यही हमें करना था, यही चेक करना था बराबर है या नहीं है। इसी प्रकार से आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 4 जो है, सवाल नंबर 3 का बड़ा रूप है, कोई विशेष अंतर नहीं है। अगर हम कहें देखिए फोर्थ, इसका फर्स्ट सवाल देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 3/4 - -5/6 + 7/8 ब्रैकेट ये कह रहा है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। यानी कैसे 3/4 - -5/8 में +6/7 में (6×8) 3/4 - -40 +6/7 = 42 / 8/48। देखिए चूंकि इसका भी 48 है, 48 है तो इसमें 12 गुना कर लेंगे। 3 इसका हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 12 गुना कर लेंगे, इधर भी काम चलता रहेगा लगातार। तो ये 40 है प्लस का 42 है, दोनों में एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा। आंसर आया 2। चिन्ह ज़्यादा वाले के सामने जो प्लस का होता है वो प्लस का चिन्ह आया, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है। (48) ये हुआ 12 3 36 (12 4 48 + 2 48 तो ये हुआ आपका 36 + 2/48 यानी 38/48। आप 2 से काट सकते हैं इसे, 2 1 2 2 9 18 इसे 2 2 4 और 2 4 8 19/24 इसका मानक रूप में आ गया है। अब इसके आप राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड ये है 3/4 - -5/6 + 7/8। सबसे पहले क्या करेंगे आप 3×6 + -5×4
बटे 4 × 6 4 × 6 = 24 प्लस 7/8 अब देख क्या होगा। तीन गुना छः का मतलब था 3 × 6 = 18 माइनस 5 × 20 बटे 4 × 6 = 24 प्लस 7/8 गुना 24 करने के लिए 3 गुना कर लेंगे 2 − 2/24 प्लस 7 = 21/24 बटे 24 माइनस 2 प्लस 21 एक प्लस का एक माइनस का घटा देंगे तो 19/24 पहले क्या आया था 19/24 ही आया था अब भी 19/24 है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपको इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ ये एचडब्ल्यू सॉल्व करने हैं। कोई समस्या हो तो फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं।